हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न अबाउट चैप्टर 4। आवर टॉपिक इज एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम दो या दो से अधिक नंबर्स को जोड़ना सीखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली व्हाट इज एडिशन? एडिशन क्या है? एडिशन इज फाइंडिंग द टोटल और सम बाय कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स। एडिशन दो या उससे अधिक संख्याओं का जोड़ होता है ना? मीन्स दो या उससे अधिक संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो उसे हम एडिशन कहते हैं, है ना? सच इज 6 प्लस 7, 6 और 7 को हमने इसमें प्लस करा है ना? आप लोगों को मालूम होगा कि प्लस का साइन क्या होता है। प्लस का साइन ये होता है, माइनस का साइन ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, और डिवाइड का साइन ये होता है, ठीक है ना? तो फर्स्टली आपको इनकी साइन का नॉलेज होना चाहिए। अगर कि दो नंबर के बीच में ये वाला साइन आता है तो आपको नंबर्स को ऐड करना है, जोड़ना है। ओके, अगर ये वाला साइन आएगा तो आपको उसको माइनस करना है, ये वाला साइन आएगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला साइन अगर आएगा तो आपको डिवाइड करना है। ओके, तो अभी हम एडिशन करना सीख रहे हैं। एडिशन का साइन ये होता है जिसे हम प्लस कहते हैं। ओके, इसमें दो या दो से अधिक नंबर्स को एक साथ जोड़ा जाता है। ओके, और उसका रिजल्ट निकाला जाता है, है ना? तो यहाँ पे हमें दिया गया 6 प्लस 7। 6 और 7 कितना होगा, आप ऐड करके देखिए। अब आप सीनियर क्लास में आओगे, प्रीवियस क्लास में आपने लाइन ड्रॉ करके सीखा होगा, है ना? हम एक बार और उसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर दिया गया तो हमें 6 लाइन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 प्लस नेक्स्ट नंबर है हमारा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इन सबको एक साथ हमें गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना नंबर आया हमारा? 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो ये हमारा 13 आंसर हो गया। ओके, अभी आपको लाइन ड्रॉ करके नहीं सीखना है। अब आप सीनियर क्लास में आ गए, आपको फिंगर्स पे काउंट करके एडिशन करना आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा 6 प्लस 7 कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर आ गया 13। इसी तरह से हमें यहाँ पे दिया गया 7 प्लस 5, ये आपका 7 हो गया है, फिर प्लस 5 ये 5 हो गया है, फिर प्लस 2। अब इसको आप फिंगर पे काउंट कर लीजिए, ठीक है? 2 और 5 कितना होगा? 7, और 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 14। ओके, ये आपका एडिशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, द नंबर विच आर एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स एंड द रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम और टोटल। जब किन्हीं नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो उसे या ऐड करते हैं तो उसे जोड़ कहा जाता है, और उसके उसका जो रिजल्ट आता है ना, उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम सम या टोटल नंबर कहते हैं। ओके, तो अभी हमने जैसे यहाँ पे थ्री डिजिट को या थ्री नंबर्स को हमने जोड़ा था, इसमें हमारा 7 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, इन तीनों को हमने प्लस करा है तो हमारा टोटल नंबर्स कितना आ रहा है? 14। तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट, है ना? ये रिजल्ट हो गया है। एडिशन ऑन द नंबर लाइन, आपने प्रीवियस क्लास में भी नंबर लाइन पर एडिशन करना जोड़ना सीखा होगा, है ना? तो अभी हम यहाँ पे नंबर लाइन के द्वारा एडिशन करना सीखेंगे। आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है 9 प्लस 8, है ना? तो फर्स्टली आपको डायरेक्टली 9 पर जाना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट आपका 9 है, 9। उसके बाद उसमें आपको 8 प्लस करना है। तो जब भी हम एडिशन करेंगे तो हम फॉरवर्ड जाएंगे, मीन्स आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमें 8 तक काउंट करना है। 8 यहाँ रह गया, 9 के बाद यहाँ से करेंगे 1 2
फाइव सिक्स सेवन और एट, है ना। तो 9 + 8 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कहाँ पे पहुँचे हम, 17 पे पहुँचे। तो आपका आंसर क्या होगा, 17। तो 9 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं 7 + 8 + 3। तो फर्स्ट आपका डायरेक्ट आपको 7 पे जंप करना है, उसके बाद 8, है ना। तो ये 1 हो गया आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 + 8 था ना आपका, तो 7 से हमने 8 तक पहुँचे तो हम 15 पर आएंगे, ठीक है। ये ये आपका 7 पे हमने जंप करा, उसके बाद हमें 8 प्लस करना है उसमें। तो यहाँ से 7 के यहाँ से हम 8 तक काउंट करेंगे। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम 15 पे पहुँचे, है ना, 15 पे। उसके बाद हमें 3 प्लस करना है, वापस 3 फॉरवर्ड जाना है। 15 से 3 जाएंगे तो 1, 2, 3 कहाँ पहुँचे हम, 18 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18। ओके, इसी तरह से आपको और भी डिजिट दिए गए हैं, 4 + 7 + 4। तो फर्स्ट ये हमें 4 पे जंप करना है, उसके बाद 7, 4 से हमें 7 नंबर तक जंप करना है ना। तो 4 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ पहुँचे हम, 11 पे, है ना। फिर हमें 7 के बाद फिर हमें उसमें 4 और प्लस करना है, मीन्स 4 नंबर और हमें फॉरवर्ड जाना है। तो 11 के बाद फिर 4 और काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4 कहाँ पहुँचे आप, 15 पे, है ना। तो 4 + 7 + 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर, 15। इस तरह से आपको नंबर लाइन के द्वारा एडिशन कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है आपको 2 + 6 + 6, है ना। तो फर्स्टली आपको 2 पे जंप करना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट आपका 2 है। उसके बाद 2 के बाद आपको 6 नंबर तक जंप करना है ना। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ पहुँचे आप, 8 पे पहुँचे। फिर वहाँ से फिर 6 और जंप करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ पहुँचे आप, 14 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14। इस तरह से आप नंबर लाइन के द्वारा एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका बहुत इजी फॉर्मूला है। तो इसमें हमने 2 को 6 से प्लस करा, फिर उसमें जो आंसर आया उसको फिर 6 से प्लस करा, इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 14, है ना। 2 + 6 + 6 = 14, इस तरह से नंबर लाइन द्वारा हमें एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ना, ये यहाँ पर एक आपको करके बताया है, इसको देखते हैं। 7 + 9, तो यहाँ से डायरेक्ट 7 पे जंप करा, प्लस उसमें 9, तो ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 16 पे पहुँचे। तो आपका आंसर हो गया 16, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको नंबर लाइन दी गई, आपको सॉल्व किया गया है, बस आपको नंबर राइट करना है, ठीक है ना, वो आपको आना चाहिए नंबर राइट करना। यहाँ पे आपका पहला कहाँ से स्टार्ट किया गया है नंबर लाइन के द्वारा, 8 से। तो आपको फर्स्टली ये 8 है ना, तो आपका फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 8, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि 8 के बाद कितना नंबर हम फॉरवर्ड चलें तब हम 17 पे पहुँचें। तो इसको काउंट कर लीजिए आप, 8 के बाद हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एट से हम नाइन नंबर तक हम आगे बढ़े तब हम 17 पे पहुंचे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 + 9 = 17। 8 और 9 को प्लस करा तब हम कहाँ पहुंचे थे, 17 पे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है आपको, यहाँ पे आपका जो नंबर लाइन 4 से स्टार्ट करी गई है, तो ये 4 आपका हो गया है, जहाँ से स्टार्ट करी उस नंबर को आपको फर्स्ट ब्लॉक पे राइट कर देना। ठीक है, अब सेकेंड ब्लॉक वाला नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप ये जो नंबर लाइन है वो 4 से लेके 13 तक आपको, मीन्स लास्ट नंबर आपका 13 है, तो आप कितना नंबर और आगे बढ़े उसको आपको यहाँ पे राइट करना है। तो फिर आपको गिनना पड़ेगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 9 नंबर और आगे चले तब आप 13 पे पहुँचिए। ठीक है, तो 4 + 9 = आपका हो जाएगा 13। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और नॉर्मल वे में आप उसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो नंबर लाइन में 4 नंबर से आपने जंप करना स्टार्ट कर रहा है, तो 4 आपका ये हो गया है ना, और लास्ट नंबर आपका कहाँ तक पहुँचे, आप 13 तक पहुँचे, तो 13 में से 4 को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 13 - 4 = 9 है ना, लेकिन आपको नंबर लाइन के द्वारा करना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7। आपका जो नंबर लाइन पे जो हमने फर्स्ट डिजिट है वो 7 से स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पे आपको 7 राइट करना है। फिर प्लस आप 15 तक पहुँचे हैं है ना, तब आप गिनिए 7 से 15 तक चलने में आपको कितने नंबर जंप करना पड़ा। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 8 नंबर और फॉरवर्ड चलना पड़ा तब आप 15 तक पहुँचे हैं, तो 7 से आप 8 नंबर फॉरवर्ड गए हैं, आगे की तरफ गए तब आप 15 तक पहुँचे हैं, तो आपको 7 + 8 = आपका आंसर हो जाएगा 15 है ना। ये आपके फिल इन द ब्लैंक से इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया, यहाँ पे आपका 9 नंबर से स्टार्ट कराएं, तो आपको पहले 9 राइट करना है। ठीक है, और लास्ट में 18 तक आप पहुँचे, तो 9 से 18 तक जाने में आपको कितने नंबर जंप करना पड़ा है उसको आपको गिनिए, 10 से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स 9 नंबर से आपको 18 तक जाने में 9 नंबर तक फॉरवर्ड जाना पड़ा तब आप 18 पे पहुँचे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा नंबर, 9 + 9 = 18। ओके, नेक्स्ट आपको और भी सॉल्विंग दिए गए हैं, ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस, एडिशन के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट, ऑन एडिंग नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम टोटल सच एज, वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को आप किसी भी प्रकार से लिखिए और उसको ऐड करेंगे, तो आप जिस भी तरह से आपने पहली बार उस नंबर को लिखा है और सेकेंड टाइम उसको दूसरे टाइप से उसने आपने उसको राइट करा है, तो भी उसका जो टोटल नंबर आएगा वह सेम ही आएगा, वह एक ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया है, जैसे 5 + 6 कितना हुआ है, 11 है ना, लेकिन जब आपने इसी नंबर को दूसरे टाइप से राइट करा है, मीन्स उसका जो डिजिट है, डिजिट लिखने का जो स्पेस है उसको आपने चेंज कर दिया है, 6 को आपने पहले लिख दिया है और 5 को आपने बाद में लिखा है, तो इसको चेंज करेंगे
तो भी आपका जो टोटल नंबर आएगा वह सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में मीन्स किसी भी प्रकार से लिखेंगे तो उसका जो टोटल नंबर आएगा वह सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है अ चेंज इन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द टोटल। आपने किसी भी नंबर के ग्रुप को चेंज कर दिया है ना, मीन्स उसके लिखने के तरीकों को चेंज कर दिया है, लेकिन उसका जो टोटल नंबर आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वह सेम ही आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, 4 प्लस 3 को ब्रैकेट में डाल दिया है ना, 4 और 3 को ब्रैकेट में डाल दिया है, प्लस 2, तो 4 और हम 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ गया, और ये प्लस 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो ये आपका 9 आंसर आ रहा। इसी तरह से आपने क्या करा है, 4 को बाहर रख दिया और 3 और 2 को आपने ब्रैकेट में डाल दिया है, यहाँ पे दिया गया है, 4 आपका आउटर में हो गया है, 3 और 2 को ब्रैकेट में डाल दिया है। तो आपको पहले 4 प्लस कर देना है और 3 और 2 को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5। ठीक है, ये 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी नंबर्स का ग्रुप चेंज करेंगे है ना, तो उसका जो टोटल नंबर आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, ये सेकेंड वाली इसी एडिशन की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ऑन एडिंग 0 टू अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ सच इज। अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे, 0 को जोड़ेंगे, तो आपका वही नंबर उसका आंसर होगा, है ना। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 7 में 0 को हमने प्लस करा है तो आपका आंसर क्या हो रहा है, 0। 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, मीन्स जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। 0 इज़ नथिंग, 0 कुछ भी नहीं है। तो अगर हमने 7 को 0 में प्लस करा है तो आपका आंसर 7 ही होगा। और अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज करके मीन्स 0 को पहले लिख लिया और 7 को बाद में लिखा है तो भी आपका आंसर 7 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 4 प्रॉपर्टीज दी गई, ऑन एडिंग 1 टू अ नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर सच इज। अगर आपने किसी भी नंबर में 1 को प्लस करा है ना, तो आपका जो आंसर आएगा उससे अगला वाला आंसर आएगा, मीन्स जिस नंबर में आपको आपने 1 को ऐड करा है उसका आंसर उसका अगला वाला नंबर आएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 दिया गया है ना, ये 5, इसमें आपने 1 को प्लस करा है तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। मीन्स 5 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 के बाद क्या आ रहा है, 6, है ना। तो आप किसी भी नंबर में अगर 1 को प्लस करेंगे तो उसका आंसर उसका अगला नंबर मीन्स नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको। हम एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, इसमें क्या बताया, जैसे ये 3 है ना, 3 में हमने 1 प्लस करा तो क्या आएगा हमारा आंसर, 4, है ना। जैसे 1 2 3 4 3 का अगला नंबर कौन सा है, 4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4। इसके सपोज मान लीजिए आपने किसी बिग नंबर को मीन्स आपने 11 को प्लस करा है, 11 में 1 को प्लस करा है तो 11 के बाद क्या आता है, 12, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 12। तो वो कहना चाहता है कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 को प्लस करेंगे तो उसी नंबर का अगला नंबर उसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एडिंग 10 और 100। अगर किसी भी नंबर में आप 10 को प्लस करेंगे या 100 को प्लस करेंगे, इसमें दिया गया है 83 दिया गया है, 83
में आपको 10 प्लस करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 383 का 93, ठीक है ना। तो एडिंग 110, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 110 इज इक्वल टू कितना होता है, 10, 210 इज इक्वल टू 20, ठीक है, 310 इज इक्वल टू 30, मीन्स अगर आपके पास 10 नंबर है तो वो 110 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और अगर आपके पास 20 नंबर है तो वो 210 के इक्वल हो जाएगा, आपके पास 30 नंबर है तो वो 310 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहता है, और एडिंग 110 मीन्स किसी भी नंबर में अगर आप 10 को ऐड करेंगे टू अ नंबर द 10th डिजिट इंक्रीज बाय 1, है ना। आपने तो जो 10th प्लेस वाला जो नंबर होगा वह एक नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपने 83 में 10 को प्लस करा है, ठीक है ना। ये 1th प्लेस वाला नंबर हो गया, 10th प्लेस वाला नंबर हो गया, ये तो आपको पता है ना। तो ये 3 में 0 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 3 ही आएगा, लेकिन 8 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो आपने देखा है कि अगर हम किसी भी नंबर में 110 को या 10 को प्लस करते हैं तो जो 10th प्लेस वाला जो नंबर होगा, 10th प्लेस वाला जो नंबर है उसमें वह एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। पहले 8 था, अभी क्या हो गया, 9, है ना। पहले जो 10th प्लेस वाला नंबर था हमारा 8 था, लेकिन अब क्या हो गया, 9, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 110 को प्लस करा है, इसलिए जो 10th प्लेस वाला नंबर होगा वह इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ दिया गया है 349, मतलब 349, ओके। उसमें आपको 100 प्लस करना है, अभी हमने 10 प्लस करके देखा था, सॉरी 349 में हम 100 प्लस करेंगे, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये 1's प्लेस हो रहा है, ये 10's प्लेस हो रहा है, ये 100 प्लेस हो रहा है ना। क्या लिख रहा है वो, कि ऑन एडिंग 100, ये हमने 100 प्लस करा है, टू अ नंबर द 100th डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, 349 में हमने 100 प्लस करा है तो जो 100 प्लेस वाला जो नंबर होगा वो 1 नंबर या 1 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। 9 में हमने 0 प्लस करा तो आपका आंसर आ गया 9, 4 में हमने 0 प्लस करा तो 4, अब हमने ये 100 प्लस वाला नंबर है 3 हमारा, इसमें हमने 1 प्लस करा तो हमारा आंसर आ रहा है 449। तो आप देखिए ये जो 100 प्लस से जो 3 था उसमें हमने 100 प्लस करा, प्लस कराया तो ये 100 प्लस वाला नंबर बढ़ गया है। पहले 349 था, अभी हमने उसमें 100 प्लस करा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 449, मीन्स 100 प्लस वाला नंबर जो है वह इंक्रीज हो गया है, 1 नंबर बढ़ गया है, ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे 359 प्लस 20, ऑन एडिंग टू टेंस टू अ नंबर द टेंस डिजिट इंक्रीजेस बाय 2। वो क्या कहना चाहता है कि 359 में हमने टू टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, 20, टू टेंस इक्वल क्या होगा, 20, तो हमने 359 में 20 को प्लस करा तो जो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, टू नंबर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं एक बार करके, 359, अब 210 इज इक्वल टू कितना होगा, 20, तो ये 20, ठीक है। अब 20 को हम इस तरह से नहीं राइट करेंगे कि 2 इधर लिख दिया, 0 इधर लिख दिया और यहाँ वाला नंबर छोड़ दिया, आपको इसी तरह से 20 को राइट करना है, ठीक है। अब भी आपका 1's प्लेस हो गया है, ये 10's,
ये 100 प्लेस हो गया। ओके अभी आप क्या बता रहा है ये कि आपको 359 में 2 टेंस ऐड करना है, तो जो टेंस डिजिट वाला जो नंबर है वो 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, 5 में हमने 2 प्लस कराया क्योंकि 2 टेंस था हमारा, है ना, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका डिजिट कहाँ बढ़ा है, टेंस प्लेस पे बढ़ा है ना, टेंस प्लेस पे आपका डिजिट बढ़ गया है क्योंकि इसमें हमने 2 टेंस ऐड करा है। पहले आपका टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर था, 5, लेकिन 2 टेंस हमने इसमें प्लस करा है तो आपका जो टेंस वाला जो डिजिट है वह 2 नंबर इंक्रीज हो गया है और क्या बना है, 7। ओके इसको आपको समझना ज़रूरी है ना बेटा। अगर हम 110 प्लस करेंगे तो आपका वंस प्लेस पर जो डिजिट है वह 110 अगर प्लस करेंगे, 110 इज इक्वल टू 10 है ना, अगर 110 प्लस करेंगे तो वो टेंस प्लेस पे आपका 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने 100 प्लस करा है तो आपका जो 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप 210 मीन्स 20 प्लस करेंगे तो जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसमें 2 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया आपको ब्लैंक प्लस 5 इजिकल टू 5 प्लस 35 मीन्स आपको उसका ऑर्डर चेंज करना है ना, इसमें क्या करना है आपको, बस ऑर्डर चेंज करना है। तो इसमें आपका 35 प्लस 5 और 5 प्लस 35, तो इसमें जो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। 8 प्लस 4 इजिकल टू 4 प्लस 8, 76 प्लस 4 इजिकल टू 4 प्लस 76, 44 प्लस 33 इजिकल टू 33 प्लस 44, 7 प्लस 13 इजिकल टू 13 प्लस 7, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 5, इस तरह से आपको ये ब्लैंक फिल करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ग्रुप चेंज करना है ना, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ग्रुप किस तरह से चेंज करते हैं, लेकिन ग्रुप चेंज करने के बाद भी उसका जो टोटल नंबर आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है ना। इसमें आपको 3 प्लस 5 प्लस 2 दिया गया है और यहाँ पर आपको 5 प्लस 2 को उन्होंने ब्रैकेट में रखा है और 3 को उन्होंने अलग कर लिया है, ठीक है ना, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो उनका वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। इसी तरह से 6 प्लस 3 ब्रैकेट में है और प्लस 4 आपका बाहर है, यहाँ पर आपको 6 बाहर दे दिया गया है, 3 प्लस 4 आपको ब्रैकेट में दे दिया गया है। अब हम ऐड करेंगे 135 में अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 135, क्योंकि 0 नथिंग है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। 0 प्लस 276 तो आपका आंसर 276 ही आएगा। इसी तरह से दिया गया 128 प्लस 1, अगर 128 में 1 प्लस करेंगे तो वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, उसका अगला नंबर यहाँ राइट करना है, तो 128 के बाद क्या आएगा, 129। इसी तरह से 70 और 20 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90। 465 में हम 20 प्लस करेंगे, ये आपका 465, ये 20 जो कि टेंस प्लेस इंक्रीज होगा इसका, है ना, क्योंकि यह टेंस प्लेस पे आ रहा है, तो ये वंस प्लेस पे आ रहा है, ये टेंस प्लेस पे आ रहा है, ये 100 प्लेस पे आ रहा है, तो 20 प्लस कर रहे हैं तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वह 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा आपका, 5, 6, 2, 8 एंड 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 485, जो कि आपको यहाँ पे राइट करना है, 485, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे और भी सॉल्विंग दिए गए हैं ना, 325 प्लस 100, तो ये 100 प्लस
100 प्लेस पे आपको यहाँ पर वन डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप 325 में 100 प्लस कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 425। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको 100 प्लस करना है, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे वन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 841, है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और भी सॉल्विंग दिए गए हैं, 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 आंसर आएगा, 0 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर 5 आएगा, 7 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8। ये आपका होमवर्क है, बाकी का इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट राइट 4 नंबर्स एडिंग ऑन 10 ईच टाइम। क्या बोल रहा है वो, कि हर एक नंबर में 10 प्लस करना है आपको, है ना, 10 प्लस करना है और 4 नंबर तक आपको यहाँ पे मीन्स इसके आगे 4 नंबर तक आपको नंबर्स राइट करना है। 740 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो 750 आएगा, 750 में अगर आप 10 प्लस करेंगे, ये आपका 750 में आप 10 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आया 0 0, प्लस करेंगे तो 0, 5 और 1 6, 760। फिर इसमें 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 770, ठीक है, 770 में फिर आप 10 प्लस करेंगे तो 780, फिर 780 में आप 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 790। इस तरह से आपको 4 नंबर तक राइट करना है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है आपको 923, ये 923 में आपको 10 प्लस करना है, कितना आएगा, 3 2 1 3 9 933, ये आपका 933 आ रहा है। फिर इसमें 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आपका 10th प्लेस पे वन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये 4 और ये 9 943। फिर आप इसमें 10 प्लस करेंगे 953, फिर इसमें 10 प्लस करेंगे तो 963, फिर अगेन आपको 963 में 10 प्लस करना है तो क्या आएगा, 973। इस तरह से आपको 10 प्लस करना है हर एक नंबर में और 4 नंबर तक आपको नंबर राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है राइट 4 नंबर एडिंग ऑन 100 ईच टाइम। आपको जो नंबर दिए गए हैं उसमें प्रत्येक में 100 प्लस करना है और उसको 4 टाइम तक राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है 224, इसमें आप 100 प्लस करेंगे तो जो 100 प्लस वाला जो नंबर होगा वन डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 324। फिर इसी में आपको 100 प्लस करना है तो 100 प्लस वाला नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा वन डिजिट, 424, आपका नंबर क्या आ जाएगा, 424। इसी तरह से आपने इसमें 100 प्लस करा है तो क्या आ जाएगा, वन नंबर इंक्रीज हो जाएगा 100 प्लस वाला, तो 524। इसमें अगर आपने 100 प्लस करा तो जो 100 प्लस वाला नंबर है 500 इंक्रीज होकर 624 हो जाएगा। फिर अगेन 624 में आपने 100 प्लस करा तो आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वह 724 आएगा। इस तरह से हर एक नंबर में आपको 100 प्लस करना है और 4 नंबर तक आपको उसको राइट करना है। नेक्स्ट है आपका 430 दिया गया है आपको, 430 में आपने 100 प्लस करा तो 530 आया, क्योंकि 100 प्लेस पे वन नंबर जो है वह इंक्रीज हो जाएगा, है ना, 4 के बाद 5, तो 530 आ गया। फिर 530 में आपने 100 प्लस करा है, ये 530 में 100 प्लस करेंगे तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें वन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 036, पहले 5 था अभी 630 आ गया। फिर इसमें हम 100 प्लस करेंगे तो 730, ये आपका इंक्रीज हो गया है ना, पहले 6 था अभी 7 हो गया, उससे पहले 5 था, 5 के बाद वन नंबर इंक्रीज हुआ, 6 आया, 6 के बाद वन नंबर इंक्रीज हो के 7 आया है, 7 के बाद इंक्रीज हो के 8 आ जाएगा, 8 के बाद फिर 9 हो जाएगा। मीन्स हर एक नंबर में हमने 100 प्लस करा तो
जो 100 प्रेस पे जो डिजिट है उसमें वन डिजिट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ये इसको कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको यहाँ तक पूरा वर्क कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।